आयत तो हदीस सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहि सलातो सलाम अपने चाचा दे करीब आके बैठ गए। फरमा चाचा जान कलमा पढ़ लो, दुनिया तो जानते है वारी कलमा पढ़ लो। फरमाया है भतीजे तू सच्चा, तेरा मजहब तेरा दीन सच्चा, लेकिन मैं अपने बाप दादे का मजहब छोड़न लई तैयार नहीं, हुण मैं कलमा नहीं पढ़ांगा। नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमा चाचा जान यूची नहीं पढ़ना चाहते, मैं अपना कान मुबारक तुहाडे होंठां दे करीब करदा वां, हौली जिहा इसदा जिहा पढ़ लवो सिर्फ मैं सुणा, ते क़यामत वाले दिन गवाही मेरी चलेगी। आयुन नबीयो इन्ना अरसलनाक शाहिदन, महबूब नूं असां शाहिद बनाया है गवाह बनाया है। मां मेरे चाचा मैं जदों क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सामने हुज्जत दलील दे तौर ते तुहाडा कलमा पेश कर देंगा, दिफा तुसां मेरा बड़ा कीता है, तुसीं आंदे सो हुरमत रसूल पे जान कुरबान। अबू तालिब चाचा तुसी कहंदे सो हुरमत रसूल पे जान कुरबान, तुसी आंदे सो जड़ा नबी पाक वल अक उठाएगा मैं अक कट देंगा, हाथ उठाएगा हाथ कट देंगा। तुसा बड़ा दिफा कीता है मेरी जात दा, मेरी रिसालत दा, मेरी जात दा बड़ा दिफा कीता है, लेकिन चाचा जान कलमा पढ़ लो, मुवाहिद बन जाओ, तौहीद परस भी बन जाओ, रब नाल प्यार कर लो जिवें मेरे नाल प्यार होया है। मेरे दिफा लई, मेरी इज्जत लई, मेरी आबरू लई तुसा मेरा बड़ा साथ दिता है। चाचा हुण जांदे वारी तुसी कलमा पढ़ लो, हुरमत रसूल ते जान कुरबान करन वाले मुश्किल कुशा कौन है, इनसे बड़ा कौन हो सकता है रब की मखलूक में मोहम्मद मुस्तफ़ा से। और यहाँ कर भी रिश्ता कितना गहरा है, नस्बी रिश्ता कितना प्यारा है, वो चचा है। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू गिराए, आवाज आई इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ महबूब जी ये तुहाडी चाहत नहीं, तुहाडी चाहत सी के चचा मुसलमान हो जाए कलमा पढ़ लवे, मेरी चाहत है इन्ना कला तहदी, ये मेरी चाहत है कि ये हदायत पर ना आए। महबूब मैं बेनियाज हूँ, मेरी चाहत पूरी होगी, आज तुम्हारी चाहत पूरी नहीं हो सकती। महबूब वापस पलट आया, आंखों से आंसू बरसाते बरसाते घर आके बैठे। अगली हदीस से हदीस से अगले अल्फाज इस तो भी बड़े प्यारे ने, महबूब अलैहिस्सलाम तो सलाम घर पहुंचाए मगरों चाचा फौत हो गया, कोल कौन मौजूद ने, अबू तालिब का बेटा शेर खुदा महबूब खुदा सैयदना अली अपने बाप के पास थे जब रूह परवास कर गई। फौत हो गया अबू तालिब, सरदार अबू तालिब फौत हुए, बेटा कोल बैठे, सैयदना अली कोल मौजूद है, शेर खुदा पास मौजूद है, बाप फौत हो चुका। अब आए मौला अली रजी अल्लाह ताला, सैयदना अली थोड़े नाल कोई मसला, सैयदना अली मन कौन तो मौला हो फाली हो मौला, सैयदना अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद, सैयदना अली सैयदना अली। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबान को मुरिसाल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कौन अली रज़ी अल्लाहु ताला अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला नो, अली दुनिया में आखरत में रसूलुल्लाह का भाई, सैयदना अली हसनैन के बाबा, सैयदना अली फातिमा तो ज़रा के शौहर, सैयदना अली रसूलुल्लाह के दामाद, सैयदना अली अबू तालिब के बेटे, सैयदना अली बरा की दाल वला वल बरा की हमीयत गैरत देखिए, बाप फौत हो गया है, अबू तालिब रसूलुल्लाह को बतलाने आए। इसको कहते हैं तौहीद, इसको कहते हैं मुवाहिद, इसको कहते हैं
अकीदा वला वल बरा आए थे बताने किसको, अब रसूल रहमत को कि कौन फोत हो गए, मेरे अब्बा जी अबू तालिब, तुम्हारे चाचा जान अबू तालिब फोत हो गए। आए सीन अली दरवाजा रसूल पे, खोलिए बुखारी हो मुस्लिम, दरवाजा खटखटाया, रसूल दरवाजे पे, अली रो रहे, क्या हुआ? अच्छा तुम दसो थोड़े कोई खाने गल पैंदी पई, दिमाग आ रही गल कोई? चलो फिर सीन अली को क्या फरमाना चाहिए था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला रहे हैं कि तुम्हारे चाचा जान फौत हो गए, मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मुझे बताओ अल्फाज क्या, चुनाव क्या होना चाहिए, यही कहना चाहिए था ना सीन अली को, या रसूल अल्लाह आपकी चाचा फौत हो, यही कहना चाहिए था। आप यही कहते हैं ना, किसी को दसना हो तो आई दस जाओ ना, थोड़े चाचा बुजुर्ग, मेरे अब्बा जी, मेरे बुजुर्ग, मेरे अब्बा जी फौत हो गए, तो मैं कहूँगा तो फिर इतराज होएगा, गुस्सा भी होएगा, जलाल भी होएगा, लड़ाई भी होगी, परेशानी भी होगी, लेकिन इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। सैयद अली को पढ़िए उन्होंने क्या फरमाया, सैयद अली को फरमाना क्या चाहिए था, फरमाया क्या है, इतला देने आए हैं अपने अब्बा जी की वफात की रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुझे बताओ क्या कहना चाहिए था, यही कहना चाहिए था कि आपके चचा फौत हो गए, या आप फरमाते कि मेरे अब्बा जी फौत हो गए, या ये फरमाते कि हमारे बुजुर्ग फौत हो गए, या ये फरमाते कि अबू तालिब फौत हो गए, या ये फरम, कोई अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया, क्या फरमाया, जो फरमाया ना वो लिख लो, जो फरमाया ना वो बनो, हमारे नहीं बनते हो तो सीना अली के तो बन जाओ, ये है अकीदा, ये है गैरत, ये है अहमियत, ये है बरात, ये है वलायत। फरमाया या रसूल अल्लाह गुमराह मर गए, या रसूल अल्लाह गुमराह बुजुर्ग फौत हो गए, किसके बारे में कहा? तुहाडा प्यो बहुत चंगा है, तुहाडा बाबा जेड़ा शेख जाल है वह बहुत चंगा है, जिसका नीचे वाला दड़ भी को नहीं। हजरत तौहीद की गैरत हमीयत, और ये भी लिखा है बाज तारीखों में, सरदार अबू तालिब क्या पाँव भी खराब था, पाँव मुबारक, पाँव खराब था, सरदार हैं, अबू तालिब हैं, रसूलुल्लाह के चाचा हैं, सीना अली के बाप हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, इकराम करते हैं, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के चाचा हैं, रिश्तों का ताल्लुक के हिसाब से हमारी मोहब्बत है कि वो रिश्तेदार है, नस्बी ताल्लुक है रसूल रहमत की जात से, लेकिन ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, गैरत क्या है, बरात क्या है, वलायत क्या है, अल्लाह की कसम अली जैसा इंसान ही कह सकता है, इतनी जुर्रत शेरे खुदा में ही हो सकती है, आम बंदे के वास्ती का ले नहीं, साढ़े वो डरते फिरते होते हैं, जो तो अपने दादे पड़दादे एक बंदा मैंने पैके साड़ी जड़ी दादी आई ना अल्लाह उन्होंने बख्शे, वह फलां बुजुर्गों की पीर की मुरीद आई, उस कबर ते ही रही, उत्थे ही फौत हो गई, अल्लाह बख्शे, मैं कहा बख्शे जरूर बख्शे। आखिरी उम्र ना उसे दरबार से टुर गई, उत रही तो उत फौत हो गई, अल्लाह बख्शे, एहले हदीस है जी, अल्लाह बख्शे, मैं क्या हाँ जी बख्शे, बिल्कुल बख्शे, फिर उन्होंने याद है मैं बैठा केड़े को, मैं क्या हाँ जरूर बख्शे। मेरी सगी दादी शिया थी, मैं कभी नहीं कहा अल्लाह बख्शे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह बख्शे तो उसको जो सिद्दीक का गुलाम हो, अल्लाह बख्शे उसको जो अकीदा तौहीद पर मरे,
अगर ये ही कुछ करना था तो फिर बंदा मौज करे, मुहर्रम कितने लाए, रबीउल अव्वल कितने और दे लाए। अगर यही कुछ करना है, न गमीयत है, न गैरत है, न मसलक की, न मनज की, न अकीदे की, पहरेदार खड़े थे रसूलुल्लाह की हुरमत पर। जो रब की हुरमत को नहीं जानता उसको रसूलुल्लाह की हुरमत पर पहरा देने से भी उसकी निजात नहीं हो सकती जब तक रब की हुरमत पर भी पहरा न दे। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले हब्बा इलैकुम मिनल्लाह है, फिर व रसूल ही, मोहब्बत रब से, रब के बाद मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा से। जिस मोहब्बत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है रब की नहीं, उसको रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी नहीं है, नहीं बच सकेगा। और जिसको रब की मोहब्बत हो, रसूल से प्यार ना हो, वो रब की मोहब्बत भी उसको जन्नत में नहीं ले जाएगी।